हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है काचेगुड़ा मैसूरू सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है काचेगुड़ा से मैसूर तक चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है पहले काचेगुड़ा से केएसआर बेंगलुरु सिटी तक चलती थी, पर हाल ही में इसे मैसूर तक एक्सटेंड कर दिया गया है और इस ट्रेन का नंबर है 12785। ये काचेगुड़ा से रोजाना शाम के 7:09 पर चलती है और मैसूर में अगले दिन सुबह 9:40 पर पहुँच जाती है। 14 घंटे 35 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 21 स्टेशन से और 765 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है और ये सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 12785। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा ये इसका वो काचेगुड़ा से मैसूर तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर लें। फर्स्ट एसी का जो किराया है वो है 2770 रुपये, सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 1635 रुपये, थर्ड एसी का जो अप्रॉक्सीमेट किराया होगा वो है 1150 रुपये और स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 435 रुपये। जनरल अनरिजर्व डिब्बों का जो किराया है वो है 231 रुपये। ये अपडेटेड किराया नहीं है, आप सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं काचेगुड़ा मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है काचेगुड़ा से हर रोज़ शाम को 7:05 पर रवाना होती है और इसके तकरीबन 21 स्टेशन है मैसूर तक। जो दूसरा स्टेशन आता है इस ट्रेन का वो है जट चेरला, यहाँ पर ये रात के 8:17 पर पहुँचती है और 8:19 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महबूब नगर में पहुँचती है रात के 8:36 पर और 8:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 106 किलोमीटर की यात्रा जो है ये काचेगुड़ा से महबूब नगर तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गढ़वाल स्टेशन में पहुँचती है। गढ़वाल स्टेशन में ये ट्रेन जो है सुबह 9:34 पर पहुंचती है और 9:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कर्नूल सिटी में पहुंचती है रात के 10:33 पर और 10:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धोने में पहुंचती है। धोने में ये ट्रेन जो है रात के 11:35 पर पहुंचती है और 11:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुटी स्टेशन में पहुंचती है। गुटी स्टेशन में ये ट्रेन जो है रात के 12:44 पर पहुंचती है और 12:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अनंतापुर स्टेशन में पहुंचती है रात के 1:48 पर और 1:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धर्मावरम स्टेशन में पहुंचती है। धर्मावरम जंक्शन में ये ट्रेन जो है 2:43 पर पहुंचती है और 2:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पेनुकोंडा स्टेशन में पहुंचती है रात के 3:21 पर और 3:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद काचेगुड़ा मैसूर एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन हिंदूपुर में पहुंचती है रात के 3:53 पर और 3:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है और 514 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गौरी बिदनौर स्टेशन में पहुँचती है सुबह 4:18 पर और 4:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और तकरीबन 537 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है डोड बलापुर स्टेशन पहुंचती है। डोड बलापुर में ये ट्रेन जो है सुबह 5:03 पर पहुंचती है और 5:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बेंगलोर के येलाहंका जंक्शन में पहुंचती है सुबह 5:24 पर और 5:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 597 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बेंगलोर ईस्ट में पहुंचती है सुबह 5:50 के करीब और 5:50 पे ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 617 किलोमीटर की यात्रा जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद काचेगुड़ा मैसूर एक्सप्रेस जो है वो बेंगलुरु कैंट में पहुँचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 5:58 पे पहुँचती है और 6 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है केएसआर बेंगलुरु सिटी जंक्शन में पहुँचती है सुबह 6:25 पे और 6:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कंगेरी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 7 बजे करीब और 7 बजे ही ये वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 636 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है यहाँ तक। उसके बाद काचेगुड़ा मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो रमना नगरम में पहुँचती है सुबह 7:26 और 7:27 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और
68 किलोमीटर की यात्रा कवर कर चुकी है। तो उसके बाद ये ट्रेन जो है मांड्या स्टेशन में पहुंचती है सुबह 8:16 पे और 8:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है। उसके बाद काचेगुड़ा मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन मैसूर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:40 पे और अपनी 762 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाके इंडियन रेल मुसाफिर लिख के सर्च कीजिए और मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिए। और अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आप चाहते हैं कि ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ।